नमस्कार दोस्तों, मैं विजय सैनी आपका मामल बॉम्ब से फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों काफी कह रहे थे कि हिबिस्कस के ऊपर एक वीडियो बनाइए, तो वैसे हिबिस्कस के ऊपर मेरे काफी वीडियो है, एयर लेयरिंग के, कटिंग के। फिर भी मैंने सोचा एक कंप्लीट वीडियो बनाते हैं कि हिबिस्कस की हम किस तरह से केयर कर सकते हैं और कैसे इसको ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिबिस्कस को हम ग्रो कैसे कर सकते हैं। सबसे ईजी है, आप इसको एयर लेयरिंग से करिए। एयर लेयरिंग से इसका रिजल्ट जो है सबसे बेस्ट आता है। मैं पहले ट्राई कर चुका हूँ और इसके वीडियोज मेरे काफी है, मैं लिंक दे दूंगा। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसके लिंक मिल जाएंगे कि हिबिस्कस पे एयर लेयरिंग कैसे करते हैं। तो इसको आप एयर लेयरिंग करेंगे तो 15 या 20 दिन के अंदर इसमें बहुत अच्छी रूट्स जो है वो आ जाती है। दूसरा जो इसका मेथड है ग्रो करने के लिए वो है कटिंग। रेनी सीजन में आप इसकी कटिंग ग्रो करेंगे तो इसकी कटिंग भी इजिली ग्रो हो जाती है। अगर आप इसको सीड से ट्राई करना चाहें तो ऑनलाइन इसके सीड्स लेकर ट्राई कर सकते हैं। मैंने कभी ट्राई नहीं किया सीड से, क्योंकि ये इजिली कटिंग से और एयर लेयरिंग से ग्रो हो जाती है। ग्रो आप कर लेंगे लेकिन उसके बाद जो प्रॉब्लम आती है कि हम उसको कैसे केयर करें, कैसे उसमें ज्यादा फूल आएंगे, कैसे हमारा प्लांट सरवाइव करेगा, तो उसके लिए हम इसकी केयर की बात करेंगे। सबसे पहले सोइल की बात करेंगे। सोइल इसके अंदर कैसा होना चाहिए? देखिए, जो हिबिस्कस है इसको वेल ड्रेन सोइल चाहिए और इसके अंदर आप कंपोस्ट है या गोबरी खाद है, पत्ती हुई खाद, जो भी आपके पास खाद है इसे मिला ले सोइल के अंदर और फिर इसका सोइल मिक्स तैयार करके उसमें आप प्लांट को लगाइए तो आपका प्लांट अच्छे से ग्रो करेगा। प्लांट लगाने का जो समय है, आप एयर लेयरिंग लगाइए या कटिंग लगाइए या आप नर्सरी से लाकर प्लांट लगाइए, इनका जो समय है वो होता है शाम का, यानी कि जब सूरज ढल जाए उसके बाद आप प्लांट लगाइए तो सबसे बेस्ट टाइम होता है प्लांट लगाने का। उससे कि आपके प्लांट के जो सरवाइव करने के चांस है वो बढ़ जाते हैं। मोस्टली क्वेरी आते हैं कि हमने प्लांट लगाया था लेकिन उसके पत्ते सारे गिर गए या मुरझा गया, तो इसलिए होता है क्योंकि वो क्या करते हैं, या तो मॉर्निंग में लगा देते हैं या फिर उसको दोपहर में लगा देते हैं, तो इस वजह से वो सरवाइव नहीं कर पाता। तो आप इवनिंग के टाइम पे लगाइए सूरज ढलने के बाद, तो आपका प्लांट जो अच्छे से ग्रो कर पाएगा। प्लांट लगाने के बाद प्रॉब्लम आती है कि इसमें पानी कितना देना होता है। जो हिबिस्कस है आप उसके अंदर ज्यादा पानी डालेंगे तो क्या है, उसकी रूट सड़ सकती है, उसके पत्ते पीले होकर गिरने लगेंगे, यानी कि उसमें ज्यादा पानी डाले। थोड़ा कम पानी डालेंगे तो क्या होगा, आपका प्लांट थोड़ा सा जैसे कि अलसा जाता है वैसा हो जाएगा। तो इसका मतलब आप समझ लीजिए कि प्लांट को पानी की जरूरत है, लेकिन आप ज्यादा पानी डालते जाएंगे तो क्या होगा, उसकी पत्तियां पीली होगी और रूट सड़ के प्लांट भी आपका खराब हो सकते हैं। अब बात करते हैं लोकेशन की, इसको रखना कहाँ होता है। देखिए, हिबिस्कस जो प्लांट है, कोई भी फूल का प्लांट हो उसको आप धूप में रखिए तभी उसमें अच्छे से फ्लोरिंग होगी। तो हिबिस्कस को भी आप धूप में रख सकते हैं। अगर आपके यहाँ पे धूप पूरी नहीं आती तो कम से कम आप ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे इसको मॉर्निंग में सनलाइट जो है मिलती रहे। गर्मियों में अगर तेज हीट वाली गर्मी स्टार्ट हो गई है और आपका प्लांट जो है पॉट में है तो आप उसको थोड़ा ऐसी जगह पर रखिए जहाँ पे मॉर्निंग की सनलाइट आती हो लेकिन जो आफ्टरनून की सनलाइट है वो ना आती हो। फर्टिलाइजर, देखिए हिबिस्कस के अंदर जो फर्टिलाइजर है, वैसे तो मैंने आपको बताया कि सोइल के अंदर आप गोबरी खाद, पत्ती हुई खाद ये ऐड कर सकते हैं। जो बनाना पील फर्टिलाइजर है वो आप ट्राई कर सकते हैं। इसका जो फ्लोरिंग का सीजन है वो जैसे रेनी सीजन स्टार्ट होता है उस टाइम पे इसकी फ्लोरिंग काफी अच्छे से होती है, तो उससे पहले आप इसके अंदर जो पोटाश है या आपके पास जो बनाना पील फर्टिलाइजर है वो आप इसके अंदर ऐड कर दीजिए ताकि फ्लोरिंग अच्छे से हो। प्लांट की ग्रोथ अच्छी नहीं हो रही या प्लांट जो है थोड़ा सा ग्रीन अच्छा से नहीं हो रहा तो आप इसके अंदर एनपीके फर्टिलाइजर भी यूज कर सकते हैं। इंसेक्ट, हिबिस्कस के अंदर सबसे जो कॉमन जो प्रॉब्लम है वो इंसेक्ट की वो है मिलीबग। मिलीबग जो है इस सीजन में काफी आपने देखा होगा, जो सफेद सफेद से कीड़े जो है वो लग जाते हैं। वो क्या करते हैं, जो नई ग्रोथ होती है वहां पे जाते हैं, उन पत्तों के जो रस है वो चूसना स्टार्ट कर देते हैं। धीरे धीरे वो सारे पत्तों का रस चूस लेते हैं, पत्ते के मुड़ कर इस तरह से इकट्ठे हो जाते हैं। तो इस तरह से कि पूरे प्लांट पर वो बहुत जल्दी ग्रोथ करते हैं इंसेक्ट और पूरे प्लांट पे आपके पे वो फैल जाते हैं। तो इसलिए इसका सबसे बेस्ट इलाज ये है कि जब आपको स्टार्टिंग में कुछ इंसेक्ट दिखे उसी टाइम पे आप उन पत्तियों को रिमूव कर दें, उन इंसेक्ट को हटा दें और उसके ऊपर आप जो स्प्रे है, आपके पास अगर कोई इंसेक्ट साइड स्प्रे है तो वो आप ट्राई कीजिए। नीम ऑयल स्प्रे भी आप ट्राई कर सकते हैं, अगर स्टार्टिंग ही है तो आप उसके अंदर जो साबुन का पानी है वो भी आप ट्राई कर सकते हैं। वैसे इस टॉपिक पे भी मैंने एक वीडियो बनाया हुआ है, वो आप चेक कर सकते हैं, लिंक उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। स्टेप बाय स्टेप जैसे मैंने बताया है, पॉइंट टू पॉइंट अगर आप चेक करेंगे आपके प्लांट के अंदर तो आपको प्रॉब्लम पता चल जाएगी कहाँ पे प्रॉब्लम है। दूसरा, आपका प्लांट जो अच्छे से फ्लोरिंग भी करेगा और अच्छे से ग्रोथ भी करेगा। फिर भी अगर आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया, अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, शुक्रिया।